मोर डिलीशियस रेसिपीज सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मैं अपने किचन में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो आज हम बनाएंगे जी संघाड़े बॉईल करेंगे कि संघाड़ों को किस तरह से बॉईल किया जाता है। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा संघाड़े हैं क्योंकि अब इसका सीज़न है और ये बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, तो इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल जो है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत बेहतर है और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये कैल्शियम से, विटामिन से और आयरन से भरपूर है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए अब देखते हैं इसको हमने बॉईल किस तरह से करना है। इसको बॉईल करने के भी बहुत से तरीके हैं, तो मेरे पास ये 5 किलो हैं जी ये संघाड़े, तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो वॉश करने के बाद जो है फिर मेरे पास ये अभी यहाँ पर संघाड़े मौजूद हैं। तो इसको आप जो है प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में ये स्टीमर रख के, इसमें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालें, ये स्टीमर रखें और ये मेरे पास स्टीमर है तो मैंने ये तीनों रखे हुए हैं, तीनों साइज़ के हैं, तो मैंने इसमें इस तरह से रख दिए हैं। इसको आप प्रेशर कुकर में रख के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे गल जाएंगे, फिर आप इनको निकाल लें। लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ, इसी तरह से हम इसको खुले बर्तन में बनाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं 2 जगह पे इनको बनाऊंगी। एक तो मैंने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टीमर जो है इसके ऊपर ये 2-3 इसकी तहें इस तरह से लगा के इनको ऊपर नीचे इस तरह सेट करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो है इनको मैं किसी छलने में डाल के तो उसमें तैयार करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इनको तैयार करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, खुला बर्तन लिया है मैंने, स्टील का बर्तन है मेरे पास। तो दूसरा जो बर्तन होता है उसमें वो थोड़ा काला हो जाता है, इसलिए मैंने ये स्टील का लिया है। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, पानी को हमने बस नीचे तक ही रखना है। ये मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है, तो क्योंकि ये अभी इसको बॉयल आएगा तो इसके नीचे मैं आँच भी कर देती हूँ। तो ये पानी मैंने रख दिया है, ये छलना है मेरे पास, स्टील का ही छलना मैंने लिया है। तो इसको यहाँ पर मैं सेट करूँगी इस तरह से और इसमें तमाम संघाड़े डाल दूँगी। तो संघाड़े मैंने जो है इसमें चलने में डाल दिए हैं, पानी को नीचे बॉईल आ चुका है, पानी जब बॉईल आएगा तब आपने ये डालने हैं और इतने डालने हैं कि ये ऊपर से कवर भी अच्छी तरह से हो जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी इस तरह से और इसको कवर करके हम स्टीम में पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और चेक भी करते रहें। अगर आपको लगे कि उससे पहले ये पक चुके हैं, गल चुके हैं, तो फिर आप इसको चेक करके, इसकी साइड भी मैं चेंज करूँगी 1-2 दफ़ा बीच में, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो ये क्योंकि ज़्यादा हैं, अभी दूसरा भी मैंने स्टीमर रखना है तो उसके लिए मैं दूसरा एक बर्तन लूँगी और उसमें उनको रखूँगी। तो ये वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला और लिया है, इसमें भी मैंने उसी तरह से बिल्कुल पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसमें मैं ये स्टैंड जो मैंने रखा हुआ है, स्टीमर जो रखा हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से मैं इसको इसके अंदर रख दूंगी। अब इसके अंदर मैंने इस तरह से ये स्टैंड जो है स्टीमर वाला ये पूरा ही रख दिया है, तो इसको भी मैं कवर कर दूंगी। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी कवर करके हम छोड़ देंगे और ये स्टीम में ही पकेंगे। अगर प्रेशर कुकर में आप बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी में, तो बिल्कुल इसी तरह से आप प्रेशर कुकर में भी इसको, स्टीमर को रखें और प्रेशर कुकर लगा दें, 3-4 मिनट के लिए लगा दें और फिर उसको खोल के आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी तकरीबन 20 से 25 मिनट ही लगेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो दूसरा स्टैंड मैंने रखा था, जो मैंने इसमें एक छलना रखा था, इसको मैं एक दफ़ा इसकी साइडें चेंज करूँगी, थोड़ा इसको ऊपर नीचे करूँगी ताकि हर तरह से ये पक जाएँ, हर तरफ से पक जाएँ अच्छी तरह से। इसकी साइड चेंज कर देंगे एक दफ़ा और फिर से इसको कवर कर दूँगी। तो
यहाँ पे जी संगाड़े को जो पकते हुए उबलते हुए तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, मैंने 25 मिनट के बाद चेक किया था तो अभी ये अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसको मज़ीद 10-15 मिनट रखा है। तो माशाल्लाह अब ये बिल्कुल तैयार हैं, ये वाले भी तैयार हो गए हैं, दूसरे छलने में जो रखे हैं वो भी तैयार हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ निकाल के। यहाँ पे जी संगाड़े जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से ऊपर से छील के भी रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो ये मैं आपको छील के दिखा भी देती हूँ, इसको इस तरह से थोड़ा सा काट के हल्का सा एक छोटा सा कट लगाते हैं, फिर आप इसको इस तरह करके थोड़ा खोल लें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे जो हैं, ये देखें बहुत अच्छे ये बॉयल हुए हैं, और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये थोड़े से टाइम के लिए आते हैं तो आप इसको ज़रूर बना के खाएं। मैं इसका एक हलवा भी तैयार करूँगी, वो मैं दूसरी आपके साथ फिर शेयर करूँगी रेसिपी उसकी। तो इस तरह से भी आप इसको खाएँ, इसके ऊपर लीमू वगैरह निचोड़ के चाट मसाला डाल के इस तरह से खाएँ, हर तरह से ही आपको अच्छा लगेगा। सादा भी बिल्कुल सादा खाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।